भाई बहनों के अटूट प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक रक्षाबंधन के शुभ पर्व पर आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर रेशम के धागों से बनी हुई राखियां बांध रही हैं और भाइयों से सुरक्षा का वचन ले रही हैं। भाई बहन एक दूसरे पर प्यार लुटा रहे हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा कर अटूट प्रेम और सुरक्षा का वचन दे रहे हैं। जिले के बंदरा, गायघाट, कटरा, सकरा, मुरौल, मनियारी, कुड़नी, कांटी सहित कई प्रखंड में राखी का त्योहार बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। कहीं विवाहित बहनें अपने मायके पहुंचकर भाई के कलाई पर राखी बांध रही हैं, तो कहीं भाई खुद अपनी बहनों के घर पहुंचकर उनसे राखी बंधवाकर अटूट प्रेम और सुरक्षा के वचन दे रही हैं। रक्षाबंधन के मौके पर भाइयों के द्वारा बहनों को अपने सामर्थ्य और हौसलों के अनुसार गिफ्ट दिए जाने का रिवाज है, जिसे बखूबी निभाया जा रहा है। लिहाजा भाई बहनों में हंसी मजाक और नोकझोंक का माहौल भी देखा जा रहा है। वहीं बिहार में सरकार के द्वारा आपकी शिक्षकों की रक्षाबंधन की छुट्टी रद्द किए जाने से शिक्षक वर्ग में काफी निराशा देखी जा रही है। कई शिक्षक भाई बहनों की कलाइयां अब तक सोनी हैं, तो कईयों की कलाइयों पर जल्दबाजी में राखियां बंधी हैं। रक्षाबंधन का त्योहार सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है और भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। भद्रकाल लगने की वजह से इस साल राखी का त्योहार 30 और 31 अगस्त दो दिन मनाया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।